ओम शांति। 12 अगस्त 2023 आज की साकार मुरली का प्रश्न, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम निर्वाण धाम जाने में सहजता का अनुभव करें? उत्तर, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी होना अर्थात स्वयं को बैठकर स्वयं जांचना, बाबा की श्रीमत पर। बाहर से कुछ बोलो नहीं, इस श्रीमत का पालन करो, करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सके। संकल्प बहुत धीमी गति के हो जाएंगे। जितना याद करेंगे, जितना बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ, फिर देखो आपके जीवन से कैसे अज्ञानता, कैसे दाग दूर होते जाते हैं। खाली बैठना नहीं है कि देखते रहे कहीं, एक एक कमी को पहचानना है और बाबा की श्री मत पर उस कमी को काटना है, निकालना है, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देना है। जब ऐसे बनते जाएंगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक श्रेष्ठता आती जाएगी। और अच्छी तरह से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम